हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वैल्यू फॉर मनी स्टॉक की जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे एक काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है और साथ ही साथ मल्टी बनने का भी कंटेंडर है सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं कंपनी की वेबसाइट पे और आप कंपनी का नाम यहां पे देख सकते हैं फेडरल मोगुल गोदे इंडिया ये जो कंपनी है ये दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है जहां पे फेडरल मोगुल एक जर्मन कंपनी है और गोदसे इंडिया एक इंडियन कंपनी मैं आपको बता दूं जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसका जो रेवेन्यू है वो 87 परसेंट का रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है और ये पर्टिकुलर कंपनी मेजरली टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स कार्स एसयूबी ट्रैक्टर्स के लिए पिस्टन्स बनाती है अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो आप देख सकते हैं ये मेजरली चार प्रोडक्ट्स बनाती है पिस्टन्स पिस्टन रिंग्स सिलेंडर लाइनर्स एंड सेंटर्ड मेटल प्रोडक्ट्स और आपको मैं साथ ही साथ बता दूं जो इनके जो प्लेयर्स हैं जिनको ये अपना सामान बेचती है उनमें से प्रोमिनेंट नेम्स है मारुति सुजुकी इंडिया साथ ही साथ हीरो मोटरकॉप टाटा मोटरकॉप्स एज वेल अगर मैं बात करूं इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तो आप देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया इनका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जिसकी वजह से यह पर्टिकुलर कंपनी आने वाले टाइम पे इसी को लेवरेज करके अपने बिजनेस को और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है चलिए अब बात करें फंडामेंटल्स की इस पर्टिकुलर कंपनी की तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है वो चल रहा है थ्री हंड्रेड और यह पर्टिकुलर स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे 10% अप था चलिए मैं आपको बताता हूं कि यह पर्टिकुलर कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है 2000 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है स्टॉक का पी 20.3 है फेयरली वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है कंपनी के पास बिल्कुल भी डेट नहीं है डेट टू इक्विटी देखोगे तो 0.01 परसेंट का है और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना फिफ्टी वीक्स हाई का ब्रेकआउट दे दिया है तो ये थे फंडामेंटल्स जो मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड भी काफी अच्छा है रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10.9% परसेंट का है फेयरली गुड और आपको पता है कि जो इंडिया की ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है या ऑटो के ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज है वो काफी अच्छा आपको करते हुए दिखाई दे रही है अब बात करो उसके पीयर कंपैरिजन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संवर्धना मदर सुमी ऊनो मिंडा बॉश और जेड एफ कमर्शियल करके कंपनीज है अगर उसमें भी आप इनका कंपेयर करें तो इनका जो पी है वो सबसे सस्ता है और सबसे फेयरली वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं एफ होल्डिंग में भी यहाँ पे चेंज आया है जीरो का तो यहाँ पे फॉरन इंस्टीट्यूशन भी अब इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड है बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की तो कंपनी के जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीज देखा गया है और साथ ही साथ अगर आप देखिए मार्च क्वार्टर जो पिछले मार्च क्वार्टर में इन्होंने 356 करोड़ रुपीस के सेल्स किए थे उसमें भी एक जंप है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं पिछले क्वार्टर से और मुझे लगता है कि एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ये पर्टिकुलर कंपनी 12 टू 14 परसेंट के बीच में मैनेज करना चाहती है हाउ एवर देर इज अट डिक्लाइन इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन ऑन ईयर ईयर बेसिस पर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी में अभी भी काफी अच्छा पोटेंशियल बचा है और अगर ये कंपनी ऐसे ही ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पार्ट पे काम करती रही तो आने वाले टाइम पे यह पर्टिकुलर स्टॉक आपको यहां से डबल भी होता हुआ दिखाई दे सकता है बात करें प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं यहां पे जो इनका प्रॉफिट था मार्च ट्वेंटी में वो था 22 करोड़ रुपीस का जो बढ़कर अब हो चुका है 34 करोड़ रुपीस का तो आप यूं समझ लीजिए लगभग 45 परसेंट का इंक्रीज है इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी देखें तो आपको एक काफी अच्छा जंप यहां पे दिखाई देगा अगर मैं आपको इसके ईयरली कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना हाइएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है इन मार्च ट्वेंटी ऑफ एटीन करोड़ रुपीज और पिछले कुछ क्वार्टर से यह कंपनी काफी हद तक 2020 के बाद स्टेबल होना स्टार्ट हो गई है साथ ही साथ अब मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूं एक बार आप देख सकते हैं यह है, है शेयर होल्डिंग पैटर्न इस पर्टिकुलर कंपनी का जहां पे प्रमोटर्स के पास 74.98 परसेंट स्टेक है द लिमिट इज 75 परसेंट और आप यूं समझ लीजिए प्रमोटर्स अपना स्टेक इसमें कम नहीं करना चाहते हैं और पिछले कई साल से इन्होंने अपना स्टेक को मेंटेन करके रखा है 74.98 पे यहां पे ने अपने स्टेक को इंक्रीज सेवेंटी फोर एट परसेंट मार्च क्वार्टर और डीआईएस ने सॉरी ने अपने स्टेक को मेंटेन किया है एंड एफआईएस ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है चलिए अब मैं बताता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि जो फेडरल मोगल का स्टॉक है वो आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकता है तो ये है वो कुछ रीजन्स तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसने अपने रिजल्ट में बताया है या अपने कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में बताया है दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीस इन न्यू फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स बाय 2030 और आप जानते हैं देर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इन इंडिया क्योंकि जितने भी हम बात करें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की वहां पे आपको नंबर ऑफ सेल्स ऑफ कार्स वेदर इट इज टू व्हीलर वेदर इट इज थ्री व्हीलर वहां वहां पर आपको एक काफी अच्छा इंक्रीज दिख रहा है और आप देख सकते हैं जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय एट ए सी ऑफ टेन परसेंट ओवर दी नेक्स्ट फाइव ईयरस तो यूं समझ लीजिए नेक्स्ट पांच ईयर में अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 10 परसेंट से बढ़ती है तो इन ऑटोमोटिव कंपनीज़ को कितना बड़ा फायदा हो सकता है साथ ही साथ हंड्रेड परसेंट का एफडीआई है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज हंड्रेड परसेंट इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड मैन्यूफेक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया अगेन इससे भी इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी बड़ा बूस्ट मिला है एंड ये जो अपर्चुनिटीज है आफ्टर मार्केट की उन्हें भी कैप्चर करते हुए दिखाई दी है यू नो दैट द पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट देयर व्हीकल व्हीकल की हेल्थ कैसी है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम है व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी जो लोगों का अवेयरनेस है टूवर्ड्स पिस्टन यूसेज टूवर्ड्स पिस्टन रिंग्स यूसेज कंपोनेट चेंज करने का वो पर्टिकुलर मार्केट भी ये पर्टिकुलर कंपनी टैप करते हुए हमें दिखाई दी है बाकी अगर मैं आपको बात करूं इनका जो प्लान है वो है फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स को बढ़ाना अपने वर्क पोस्ट को भी ये 50 परसेंट से बढ़ाने की बात कर रहे हैं इन नेक्स्ट फाइव इयर्स तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहां पे एक गेम चेंजर हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और कैसे ये पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर लेवल से काफी बड़ी कंपनी बन सकती है इन कमिंग फाइव ईयर्स अब बात करूं इसके टेक्निकल्स की तो आप देख सकते हैं ये है फेडरल मोगुल गोदसे का वीकली चार्ट और यहां पे आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहां पे मेरे को एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है यहां पे मैंने आपको बना यहां पे आप देख सकते हैं जो शेडेड रीजन है आ, आप आ, को मैं एरो बना के दिखा देता हूं ये है इसका पहला शोल्डर उसके बाद यहां पे इसने बनाया है अपना हेड और यहां पे इसका सेकंड इन्वर्टेड शोल्डर और इसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां पे ब्रेकआउट देता हुआ हमें दिखाई दिया है तो आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 340, 350

अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस करना चाहिए डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है मैं आपके साथ अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूं जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बन सकती है और प्लीज मेक श्योर करें कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करें अपने सीए फ्रेंड्स या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज एडवाइस ले बिफोर बाइंग और एंटरिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑलरेडी काफी रन अप दे चुका है तो आप एक काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में जैसे मैं बाइंग करता हूं करंट मार्केट प्राइस में 1.3 का कैपिटल डाल सकते हैं जितना आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में डालना है उसके बाद अगर इन बाय चांस ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको कभी मिलता है तीन सौ के आसपास या तीन सौ के आसपास वहां पर आप एवरेज करने के बारे में सोच सकते हैं मुझे लगता है जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसका चार्ट नेगेटिव हो जाएगा अगर ये 300 के लेवल के बिलो क्लोजिंग देता है यस yes. आप देख सकते हैं ये जो स्विंग है या तो आप यूं समझ लीजिए ये जो लाइन है यहां पे uh, 20 डेज मूविंग एवरेज की इसके नीचे ब्रेक करता है 310 300 रुपए के नीचे डे क्लोजिंग देता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक फिर से एक नेगेटिव या साइड ट्रेंड में चला जाएगा अब आपको सिमिलरली मैं बता दूं मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 400 450 तक के टारगेट इजीली पा सकता है आने वाले टाइम पे However, आ, अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे भी मुझे ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पे ऑलरेडी पे क्रॉसओवर हो चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और अब ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है तो ये था वो स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था मुझे लगता है काफी अंडर वैल्यूड है इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग आप देख सकते हैं इनकमिंग इनकमिंग टाइम और ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पिछले दो सात के हाईस को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है साथ में अगर आप बात करें पांच सौ के ऊपर दो का मल्टी ईयर मल्टीयर बेकआउट है इस पर्टिकुलर कंपनी का तो प्लीज श्योर करें आप इस पर्टिकुलर कंपनी को अपने स्टॉक को रडार पे रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना ना भूले दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक दिस वीडियो हैप्पी इन्वेस्टिंग